दोस्तों बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन और खिलाड़ी कुमार जब भी फिल्मों में एक साथ आते हैं तो ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हैं। फिल्मों में इनकी जोड़ी काफी अच्छी है और रियल लाइफ में भी ये काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं एक समय अजय देवगन ने अक्षय कुमार के लिए शिल्पा शेट्टी को फिल्मों से निकलवा दिया। आखिर क्यों अजय देवगन ने ऐसा किया, क्या थी इसके पीछे की वजह है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी इन इंटरेस्टिंग बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही दमदार कलाकारों के लिए वीडियो को तो लाइक कर दो। ये बात है उस समय की जब प्रोड्यूसर अनिल शर्मा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था होगी प्यार की जीत। इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले थे अजय देवगन, अरशद वारसी, इसके अलावा म्यूरी कांगो भी इस फिल्म में थी और लीड एक्ट्रेस थी शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुन ली थी और उन्होंने इस फिल्म को साइन भी कर दिया था और साथ ही इन्होंने इस फिल्म के लिए डेट भी दे दी। पर जब ये बात अजय देवगन को पता चली तो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी है तो उन्होंने शिल्पा शेट्टी को इस फिल्म से निकलवाने की सलाह दी। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि उस समय शिल्पा शेट्टी अक्षय को डेट कर रही थी और इनके लिंकअप की और इनसे शादी की खबरें जोरों शोरों से चल रही थी। जैसा कि सभी को पता है उस समय अजय देवगन और अक्षय कुमार काफी अच्छे दोस्त थे, जिसके चलते अजय देवगन को लगा कि मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करूंगा तो उनको बुरा लगेगा। और इसके पीछे एक और वजह थी, अगर बॉलीवुड में किसी अभिनेत्री के लिंकअप की खबरें बॉलीवुड में फैल जाती हैं तो इसका सीधा असर फिल्म पर पड़ता है। और इन्हीं दोनों वजह को देखते हुए अजय देवगन ने शिल्पा शेट्टी को फिल्म से निकालने की बात प्रोड्यूसर से जाकर कर ली और प्रोड्यूसर ने भी इनकी बात मानकर शिल्पा की जगह नेहा को चूज किया। वैसे तो जब अजय देवगन ने शिल्पा शेट्टी को अपनी फिल्म से निकाला तो इन दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई, जिसके चलते इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। लेकिन जब शिल्पा को पता चला कि अजय देवगन ने सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए ऐसा किया है तो उन्होंने माफ कर दिया। वेल, अजय देवगन ने शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस तो कर दिया लेकिन इस फिल्म में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। तो कुछ यही वजह थी अजय देवगन ने अक्षय कुमार के लिए शिल्पा शेट्टी को फिल्म से निकलवाया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सिंघम ने शिल्पा शेट्टी को फिल्म से निकालकर सही किया है गलत? अपनी राय तो दे दो कमेंट बॉक्स में। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।